शब्द दिया विचारां दे नाल जुड़ के शब्द दे विचार दे नाल आपां जुड़ करके आपां बाबा जी हुणां नूं माण बख्शीए। बाबा जी हुणां दा बहुत उपकार है जिहड़े हर साल विशेष तौर दे उपर साडे इस स्थान दे उत्ते इस इलाके दे विच पहुण के आप समूह संगतां नूं शब्द कीर्तन दे नाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे मुबारक पावन चरणां दे नाल अते सिखी दे नाल जुड़दे हन। मैं बेनती करां बाबा जी हुणां नूं अते उहनां दे समूह जथे नूं कि वह स्टेज दे उत्ते पहुँच करके ये जो सेवा आप जी नूं धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी धन धन बाबा वरियाम सिंह जी हुणां ने बख्शिश की है उन्हों निभाउण दी कृपालता करन। आओ एक वारी सारे ही आपां कीर्तन की जिहड़ी समाप्ति वह पिछों हुक्म होया कि 2 बजे होवेगी। मैं एक बारी फिर बेनती कर देवां भाई अगले पासे बहुत जगह खाली पई है कृपा करके थोड़े थोड़े अगे आउण दी कृपालता करो ताकि जिहड़ियां संगतां आउण दीआं ने वह भी सुचजे ढंग दे नाल बैठ के पावन बाणी दे नाल जुड़ सकन पावन शब्द विचार दे नाल जुड़ सकन। आओ फतेह की सांझ पाउण तों पहले आपां सरबत दे भले दे नाल जुड़ना करिए जी। बड़े ही अदब सत्कार दे नाल आवाज़ उच्ची आवाज दे विच आखियो जी नानक नाम चढ़दी कला सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
अगाध पारगम सोए जो जो कह समुकता होए सुन मीता नानक दिनवंता सात ना की अचार्य कथा हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे ए आवे न जाहे न कगू मरते पार गरम संगारी रे गुरु आई 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 सत्कारयोग गुरु प्यारी सत संगत जी ख्याल बाहर जान तो रोकिए चित विरतियां नूं एकाग्र करिए रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी सतनाम श्री पातशाह जी दी अपार बख्शिश होई है राम गंगा दे पवित्र किनारे दे उत्ते सतगुरु जी ने आके दर्शन दिते हन जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे किन्ना सुहावना स्थान ये बन चुका है ते जो ये प्रशारत है बाबा सुरिंदर सिंह जी नू जिन्हां नू प्यार नाल शिंदा जी बाबा शिंदा कह के संबोधन करदे हन उन्हां दा हर साल ही ये उपराला रहिंदा है क्योंकि ये जो डैम है इत्थे इस राम गंगा दे उपर लग्या होया काठगढ़ डैम इस डैम दा जो ये पानी फ्लड दा हुंदा है इस इलाके दे विच मार करदा है काफ़ी समा पहला 1988 च ये हड़ आए फिर 2010 दी गल है कि किन्ना इत्थे जल थल हो गया तो उस समय भी इन्हों क्योंकि रतवाड़ा साहब सेवा नवाते रहे हैं इधरों टेलीफोन गए कि हड़ इन्ना आ गया पानी इन्ना चढ़ा हो गया है कि घर दे विच भी 6-6 फुट पानी चल रहा है उस समय फिर क्योंकि अरदास ही काम आती है
नानक हुकम ना चली नाल खसम चले अरदास कड़ा प्रसादी देख तैयार होई अरदास कीती उसे समय पानी उतरना शुरू हो गया ते हर साल फेरे अरदास समागम हुंदा है। ये तुहाडा सारयां दा प्रसारत है सरबत दे भले वास्ते ये महान जग हो रहा है। इस दे विच किन्ने ही दूरों नेड़ियों प्रेमी चल के आए हैं। गुरु साहबान दे पूजनीक वजीर जिन्होंने हुणी प्रवचन सरवण कराए ना तो पहले कीर्तन भी सरवण कीते कथा विचारां सरवण कीतियां हन। सन्मानयोग गुरु दे वजीर बहुत ही प्यार वाले हन क्योंकि इस इलाके दे विच सारा ही सतोगुणी वातावरण है। वतना तो दूर इत्थे इस तराई दे इलाके दे विच पंजाबी जो देश आजाद होया उस तो बाद पाकिस्तान तो इधर नू आने शुरू होए सन। इत्थे जंगल ही जंगल सी। इह सारा तराई दा इलाका पंजाबियां दी मेहनत मशक्कत दे नाल आबाद होया है। जंगलां दे विच मंगल लगे हन पर इत्थे दा जिहड़ा जीवन नेड़ियों देखिया है कि बहुत ही औखा ये जीवन है, संघर्षमय जीवन है। तो इस राम गंगा का पता नहीं लगता कि कदों इस दी मार थले ये इलाका आ जाता है। इस करके सतगुरु जी दे चरणों विच अरदास सुनदी है क्योंकि जिमें रूड़ी बाई माई दी 12 साल बाद सुनी गई सी। जो गुरु बाबा जी बगदाद गए ये माई का बच्चा सी ओ बरात चढ़ी माई ने पीरां फकीरां दी आराधना की गुरु नानक पातशाह जी का नाम सुनिया सी गुरमुख कल विच प्रगट होया। हुण अरदास करके बेड़ा ते ओ दरिया दे विचों लंघदे समय जो वापसी दे समय डोला लेके आ रहे सन ये माई दे 9 पुत्रां समेत वो बेड़ा ही रुड़ गया। रिश्तेदार सारे बराती दरिया विच रुड़ चुके सन। रोज़ माई दरिया दे कंडे आके अरदासां करदी सी कि हे गुरु नानक मैं विधवा हाँ मैं अपने बच्चा जो ये डोला व्याहुण जा रहा सी वो तुहानू सौंपिया ते तुझे हुण किरपा करो मैनू वापस दियो। ते रोज़ अरदासां करदी। लोग कहण के माई पागल हो गई है क्योंकि रिश्तेदार परिवार रुड़ जावे सदमा बहुत वड्डा लगदा है। पर हुण गुरु बाबा जी तां रुड़िया जांदियां नूं बचाउण वास्ते उत्थे पहुँच जांदे हन। उस समय 12 साल लंघ चुके सन ते उस समय महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह जी ने हुक्म कीता कि जदों सारे भै विच चलदे हन तू क्यों नहीं भै विच चलदा। जदों तैनूं ये अरदास करके एक कार्य शुरू कीता विच करता पुरख खुलोआ बाल ना बींगा होआ तो इन्हां दे ओ सारी बरात वापस कर गुरु महाराज जी दे चरण शरण च ख्वाजा खिजर आउंदा है। सिखी मन दा धारण करदा है ते इस तरह दे नाल 12 साल बाद रूड़ी दी सुनी जांदी है ते ओ बरात उसे तरह दे नाल बन्ने लगदी है। ये विश्वास दी भावना दी वार्ता है क्योंकि जैसा सतगुर सुनींदा
तैसो ही मैं डीठ बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। तन तन गुरु नानक मेरा जेड़ा बिछड़िया नू मिलना। तन तन बाबा नानक जेड़ा बिछड़िया नू मिलना। नानक जेड़ा बिछड़िया नू मिलना। तन तन बाबा नानक जेड़ा बिछड़िया नू मिलना। जिड़ा बिछड़िया नू मिलना। बिछड़िया नू मिले जिड़ा बिछड़िया नू मिलना। बिछड़िया नू मिले जेड़ा बिछड़िया नू मिलदा। नानक जेड़ा बिछड़िया नू मिलदा। सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं ओ बिछड़िया मिले प्रभु हर बसीठ। ओ माई रूड़ी जिसनु कहंदे सन के ए अपने पुत्रां दे विछोड़े वियोग अंदर अपना संतुलन गवा के पागल हो गई है। पर उस दा विश्वास भरोसा अज तक एक कहावत बन गई मशहूर हो गई कि 12 साल बाद रूड़ी दी भी सुनी जाती है। क्योंकि सत
सतगुर पुरख अदम है निर्वैर निराला, जानो धरती धर्म की। जिहा बीज सोलुने फल कर्म संभाला, ज्यों कर निर्मल आरसी जिहा मुकर देवे खाला, सतगुर पुरखे अगम है। इस तरह दे नाल गुरु बाबा जी जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीट, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का वसीट। हर नाम हो मंत्र दृढ़ाएंदा, कटे हो मैं रोक, नानक सतगुर तिना मलाया, जिन्ना तुरहों पिया संजोग। ए जो भी हुंदा है ए संजोग वस हुंदा है। हुणे संत साई लड्डू शाह जी आए हैं, इन्हां दे उत्ते कृपा है। ओ नगर मोगे दे नेड़े घोलियां जिथे एक बहुत महान पुरुष श्रीमान संत बाबा गुलाब सिंह जी होए हैं। मरीज नो एक पुड़ी देंदे उस दे नाल ही ठीक कर देंदे सन, ते उन्हां दी ए जिहड़ी सेवा इन्हां दे दादा जी बाबा रतन सिंह ने कीती सी। पियू दादे जवेहा पोत्रा परवान, ते तुहाडे इस इलाके दे विच जंगलां च मंगल लाए हन, कृपा है। सो आओ सारयां नूं जी आयां नूं थोड़ा जिहा समय ए राम गंगा हुण इहदा पाणी किन्नी मार करदा है, रेतला इस दा तल किवें ए ढा लाउंदा है। बहुत सारे महापुरश कुरुक्षेत्र वाले दिल्ली वाले ते इसे तरह इसे इलाके दे विच भूरी वाले महापुरशां ने सेवा कीती, पुल लाए आ बन लाए, क्योंकि महापुरश ए जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने हुण उह दरिया दे विचों जदों उह बेड़ा बन्ने लाया, उस ख्वाजा खिजर नूं सिक्खी धारण करनी पई, ईन मननी पई सी, क्योंकि ये पीरां फकीर इस तरह दे नाल भावें कि रब दी रजा विच दखल नहीं देंदे, पर प्रेम बस बगदाद दे विच ओ रूड़ी वाई दा बेड़ा बरात बन्ने लगी। इस तरह दे नाल सिंध दरिया जो तिब्बत तो चलता है 1800 मील उस दी लंबाई है, गहराई दा अनुमान ही है। जो कराची कोल अरब महासागर दे विच उस दा मिलन हुंदा है, उस जल दे विच समुंदर दे विच ए जाके पै जांदा डिगदा है, उत्थे तां फिर कोई अनुमान नहीं। जिला अटक है पाकिस्तान दे अंदर, उस समय तां पंजाब ही सी, पंजां दरियावां दी धरती इह, जिस दे विचों साडे हिस्से तां दो दरिया आए हन, पंजाब दे विच सतलुज अते ब्यास। रावी अद्धा कै वह बार्डर ते चलदा है, ते इस तरह ढाई क दरिया इधर रह गए, ते इधर 13 जिले आए, ते जिहड़े 16 जिले पाकिस्तान दे पंजाब दे विच रह गए हन। उस दे विचों भी
फिर हिमाचल पहाड़ी इलाका अलग हो गया, 1966 दे विच हरियाणा अलग बन गया, भाषा के आधारित पंजाबी सूबा छोटा जा रह गया। इस तरह ये दरिया अटक पाउंदा सी, विघन पाउंदा सी, रोक पाउंदा सी। महापुरुष जो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो वरसाए, महान पुरश जिन्होंने सब तो पहला सीस भेट किया, भाई साहब भाई दया सिंह जी महाराज, ते उन्होंने जथेदारी दिती ते ड्यूटी लाई अमृत छकाउण दी, ते उन्हां तो फिर ऐसे महान पुरश अमृत छक के प्रगट होए बाबा सोभा सिंह जी आनंदपुर साहब वाले, उन्हां तो बाद बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक पातशाह जी की बिंदी अंश 11वीं जगह दे उत्ते प्रगट होए, ते उन्हां तो बाद बाबा भाग सिंह जी कुरी वाले, फिर उन्हां तो बाद बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले प्रगट होए। ये जो बाबा साहब सिंह जी, ये राड़ा साहब जो रतवाड़ा साहब संप्रदाय है, इस दे तीसरी जगह दे उत्ते पूर्वज महापुरश होए हन, जिन्होंने ये सारिया मिसलां इकट्ठियां करके, 12 मिसलां सन, आपस विच लड़दे झगड़दे सन, पर एक सोमा सी हरिमंदर साहब अमृतसर साहब, जिथे जाके सारे वैर विरोध भुल भुला देंदे सन। ते दूसरे ये बाबा साहब सिंह जी, हर का सेवक हर ही जेहा, भेत न जाणो मानस देहा, उन्हां दे उत्ते किड्डी कृपा सी, उन्होंने फिर सारियां नूं इकट्ठे कीता। जदों महाराजा रणजीत सिंह जी का पिता चढ़ाई कर जाता है, इस नूं दूसरे विरोधी मिसलां दे राजे मारना चाहते हैं, महापुरश बाबा साहब सिंह जी अपनी गोद विच बिठाते हैं, राज तिलक लाते हैं, तो सारिया मिसलां नूं इन्हां दे अधीन करके सिख राज दी स्थापना करते हैं। तो इस तरह 40 साल का समां बहुत सोहना महाराजा रणजीत सिंह का राज हलीमी राज सी। 1839 का समां आया, महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद आपस विच भरा मारू जंग शुरू हो चुकी सी। फुट पाओ दी नीति ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज ने अपनाई हुई सी। 100 साल पहला तो हिंदुस्तान ने गुलामी मंजूर कर ली सी, उस तो पहले ही इत्थे अफगानिस्तान वालों किन्ने हमले हुए, वो बाबर तो ये राज चलदा आउंदा, ये तो पहले ही गुलामी, ये तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी गलों गुलामी लाउण वास्ते उन्होंने ये तहैया कीता सी, पर जो पहाड़ी राजे सन उन्होंने भावें गुरु हरगोबिंद उन्होंने पूर्वज जो सन ग्वालियर के किले चो छडवाए सन, पर वो तो गुलामी मन चुके सन, वो उल्टा आनंदपुर साहब नू घेरा पाउंदे हन। महाराज उस समय गुलामी लाउणी चाहुंदे सन, पर समा लंघदा लंघदा इन्ना लंघ गया कि फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर हजूर साहब तो गुरु महाराज जी ने भेजे सरहंद दे इट नाल इट खड़काई वजीदे दी, ऐसी वो सजा भुगताई जो इतिहासक बन चुकी है। इस तरह के नाल उस तो बाद मिसलां दा राज होया। बाबा वीर सिंह जी दे समय जदों महाराजा रणजीत सिंह चढ़ाई कर जांदा है,
क्योंकि बाबा वीर सिंह जी महाराज जी ने महाराजा का साथ चंगा युद्धां दे समय विच दिता सी। पेशावर दे विच युद्ध होया, कसूर च होया, जमरौत दे किले नू फौजां जांदियां सन, बाबा वीर सिंह जी फौज विच सन। उस समय जमरौत दे किले नू 10,000 पठान घेर के बैठा है। हरी सिंह नलुआ जरनैल शहादत दा जाम पी चुका है। ते उधरों सुनेहा आंदा है, सर पर घोड़ सवार फौज घोड़े दड़ा के जो पार लंघना चाहते हैं, अटक दरिया सिंध रोक पाउंदा है। उस समय बाबा वीर सिंह महाराज जी ने बेनती की कि महाराज परोपकार वस आप कृपा करो, क्योंकि महापुरुष ता परोपकार नित चितवते नाही किस पोच। ओ ता यही उन्हां दी सोच हुंदी है। महाराजा ने बेनती की कि फिर टके टके दी इज्जत, टके टके दे बदले साडियां धीआं दी इज्जत रुलेगी। गजनी दे बाजारां विच पहलां विकदियां सन। इस तरह आबरू इज्जत दा सवाल है। उस समय बाबा जी कहंदे कि असी सुखमनी साहब पढ़दे हां, सुखमनी साहब पढ़न दे नाल ही ए ओनू याद करन दे नाल, उहदा सिमरन उहदी याद आउण दे नाल ए जिहड़े कला कलेश हन ये सारे दूर हो जाएंगे। बाबा जी कहते उन्नी देर वास्ते दरिया रास्ता दे देवेगा। बाबा जी ने श्लोक पढ़िया, उस तो बाद अष्टपदी पहली विच इस तरह नाल पढ़ाया। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सुख पावो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मटाओ, काल कलेश अन माहे मटाओ, काल कलेश अहे मटाओ, काल कलेश तन माहे मटाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, उनु याद करो। सिमरन कहंदे हन याद नु। शुरुआत ही सुखमनी साहब दी जिहड़े ए अठ पौड़ियां नु अष्टपदी कहा है, इहदे विच एक अष्टपदी च अठ पौड़ियां हन। पहली ही पौड़ी कहिंदे उहनू याद करो, याद करन दे नाल कल कलेस तन माहे मटावो।
जिन्हें एक कड़ा कलेस हन, पांच कलेस हन, असमता, अविद्या, अभिन्न वेश, राग, द्वेष, ये कलेस सारे मिट जाएंगे। फिर याद करो, सिमरो, किनु जास बसंबर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत सुधाखर, किन्ने राम नाम एक आखर, किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी कांखी कहते ने इच्छा नु, की इच्छा होवे उदे याद, उनु याद करन दी, उदे दर्शनां दी। कांखी एक दर्स तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जांकी वस है काम तेन, परोपकार वस महापुरुषा ने। इन्ना समा सुखमनी साहब पढ़न दा समा उन याद करके दरिया तो ले लिया, ते दरिया ने फिर रास्ता देना ही सी, ते दरिया दा पानी गोडे गोडे हो गया, सारिया बटालियां लंघ चुकियां हन, तेई अष्टपदियां पढ़ियां जा चुकियां हन। बाबा जी हाथी ते सवार हन, चौवीवीं अष्टपदी ते अपना हाथी अटक दरिया तो बार वल नूं तोर लैंदे हन, इशारा करदे हन कि सारे लंघ जाओ। एक बटालियन 80 बंदियां दी हुंदी है, फौजी सन, ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਦਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਮਨ ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੇ।
विच पावन बहै सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ सारे ही जिन्ने भी पौन पानी देवते हन सारे उस दे पै विच चलदे हन पै विच इंद फिरे सिर पार पै विच धरती दबी पार सारे जिन्ने हन ए पै विच चलदे हन पर जिहड़ा एक इंसान है जिहड़ा मन पिछे लग के ए अपनी मन मत करदा है इस नूं ही सवाल पैदा हुंदा है गुरबाणी विच इस सवाल आउंदा है कि तू क्यों नहीं ये गल मनदा सब पै विच चल देने मना तू क्यों नहीं पै विच चलदा ए मना तू क्यों नहीं पै विच चलदा है सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कटे वैकार पै विच धरती पै विच पवन वह सदवाओ विच चले लख दरियाओ अरदास कीती हुई बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास इस तरह दरिया सिंध अटक उसका बहा अटक गया जिहड़ा अगे रोक पाउंदा सी ये सारे जिन्ने दरिया हन पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कड्डे बेकार हुण अग की कम सवार दी किन्ने इत्थे पकवान पक रहे हन अग इस तरह दे नाल विगार करदी है जिवें अज इक अखर वरत्या जांदा कोई कम पै जावे ट्रकां वालिआं नूं कोई किसे तों कम लैणा उहनूं कहिंदे विगार पै गई कि करनी ओह पैणी है ते ऐसी पै अग नूं पैदा कीती कि इह पै विच अगन कड्डे वैकार पै विच धरती दबी पार धरती सारिआं दा सहन करदी है पर इक ने ए पै मनदी है जिन्ने भी धरती दे उत्ते हन
जिन्हें ये दरिया वेंदे हन ये धरती नूं भारे नहीं लगदे ना ते सपारे पर्वतां असमान खहंदे आ सामने हिमालिया वर्गे पर्वते भी धरती नूं भारे नहीं ना तिस पारे कोट काड़ कर वारस दसंदे ना तिस पारे साए रानत वहा बहंदे किडे किडे किले मनार एवी पारे नी आ ऐसे दरिया नदियां नाले समुंदर धरती नू पारे नहीं ना तिस पारे तरवरा फल सफल फलंदे या बनस्पति फलां नाल लदी होई एदा भी कोई पार नहीं पारे पोई अकिरत कान मंदी हों मंदे एक अकिरत कणानु छड़ के धरती भी बगार कर दिए इंद फिर सिर पार पै विच राजा धर्मन इंद्र नू फरमान हुआ और जदो मी वर्षदा है ओ पै विच इंद चलदा है ओ देवता वो भी मानदा है ये सारे ही पै विच चलदे ने धर्म रास वो भी किन्ना पै मानदा है धर्म राय नू हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार धर्म राय तर कागत हर जन नानक लेखा साध के संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सोभा सुरदेवा पै विच जोद महाबल सूर पै विच सिद्ध सब पै विच आडाने आकाश सारे पै विच हन योदे महाबल सूर में महाबली पै विच चलदे हन सुख देंदे ने ओ सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार
बड़े बड़े हंकारियां नानक सारे पै विच चलदे हन सगलिया पौ लिखिया सिरलेख ये सारे जड़े हन पै विच चलदे हन नानक निरपो निरंकार नाम सच एक नानक निरपो निरंकार होर कीते राम रवाल जिहड़ा नाम नाल जुड़ गया निरपो जपै सगल पौ मिटे होर तां जिहड़े राम जी दी गल करो होर वेदां दीआं कहानियां कृष्ण भगवान दी गल करो ओ कीतियां कन्न कहानियां कीते किन्नियां ही कहानियां करदे जाओ कान कृष्ण जादम पिया पार जात गोपी ले आया मेरा गावन गोपियां गावन कान गावन निरपान निरंकार सच नाम जाता ऐसियां कहानियां किते नचे मंगते गिड़ मुड़ पूरे सारे ही आप पिछड़ धरती नाल सारे करदे ने पै विच चलदे ने इस तरह दे नाल जेड़ा नाम नाल जुड़ गया जो दी नदर दा पात्र बन गया फिर खुशियां ही खुशियां उन्होंने बख्श हो जांदियां हन नदरी कर्म लंघाए पार कोल्लू चरखा चक्की चक थल बरौले बहुत अनंत लाटू मादानियां अनगाह पंखी पौंदियां लेन नसाहा सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत बंधन भंद पवाए सोए इस करके आओ ये सारे पै विच चले लख दरियाओ पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलत ना अंत ए मनदे हन इथे ए राम गंगा दे किनारे ते बैठ के अरदास करनी है अरदास दे नाल जदों असी सरबत दे भले दी अरदास करदे हां फिर ए
सारयां दी ओ चढ़दी कला हुंदी है ते सारे सुख दा वरतारा हुंदा है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा पला, अरदास भी ऐसी कि हे पातशाह कृपा करें, जिमें अगस्त मुनि ने सुरमंदर नुसराप दे दिता, ढाई चूड़िया विच सारा शक गया, लो सर्वलो ग्रंथ विच कथा आंदी है, क्योंकि उन्हें सारे जिहड़े किनारियां ते बैठे सी ऋषि मुनि सारयां नूं रोड़ दिता, ते फिर विचार चली कि इहनूं सज़ा तां मिलनी चाहीदी है, क्योंकि मर्यादा विच नहीं चलिया। ते फिर वो समुंदर भी खारा हो गया जदों लघु शंका कीती। इस करके अरदास है कि सारे ही सुखी वसण। सुखी वसे, सुखी वसे मोरो परवारा, सुखी वसे, सुखी वसे, सुखी वसे मोरो परवारा, सुखी वसे। बस है मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा। इस तरह आओ अरदास करिए, सारयां दा धन्नवाद जो हर साल सरबत दे भले दी ए अरदास करदे हन। कृपा है प्रतख नूं प्रमाण देण दी लोड़ नहीं पैंदी। कवि दरबार पौंटा साहब हुंदा सी, जमना दे पत्थरां दियां आवाज़ां आउंदियां, तेज बहा हुंदा सी, विघनकारी ओ बनदा सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दा ऐसा वचन, उत्थों अज तक गंगा शांत वगदी है। किन्नियां मसालां हन संत महाराज शेरू साहब वाले, उत्थे एक बगीची साहब है स्थान, महापुरशां ने बगीची लाई, उहदे विच पहला गोखे की छपड़ी गुफा तप करदे सन, फिर वह दिन के समय बगीची जा बैठते। उन्होंने 300 विघा जमीन वह रेरू साहब गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम करवाई, आप हल वाहुंदे सन, तप करदे सन। ते भजन भी इन्ना सी कि जदों रेल गड्डी लंघनी विघनकारी बन जाना, फिर उन्हों कहिंदे कि इह हुण इत्थों चुप चाप जाया करेगी। अज भी देखो उत्थे जाके रेल दी आवाज़ नहीं आउंदी, नहीं तो लोहा खड़कदा है। नानक कथना करड़ा सार, गली ज्ञान न ढूंढी है, कथना करड़ा सार, करम मिले ता पाई है, और हिकमत हुकम खुआर। हिकमत कहते ने चलाकियां नू, चलाकियां दी गल नहीं, चतराई तक करदे चले जाते ने। इस तरह के नाल सहस स्याणपा लख होए ता एक ना चले नाल। अज भी यह प्रतख वरत दियां हन। रतवाड़ा साहब जिथे
स्थान बने ने सत द्रव तीर तरंग सौ तारा बन के वह दरियाब चलता है। क्योंकि वशिष्ठ मुनि जी दा जो विश्वामित्र ने इन्नी क गल ते कि हर रोज उन्हों राज ऋषि कहिंदे जदों राजसभा च आउंदा गुस्से च एक पुत्र मार दिंदा तां उसने सौ पुत्र मार दिते। जदों आखिरी दिन वह इश्तिहार जिहड़े सी शस्त्र ला के आए उस दिन उन्होंने कहा कि आओ ब्रह्म ऋषि जी कहिंदे उस दिन पहले ही कहा दिंदा सौ पुत्र मरवा के भी कहा। फिर इस तरह जदों वशिष्ठ जी सतलुज दरिया छाल मारते हैं दरिया भी डरदा भै भी चलता वो सौ तारा होके चल पैंदा रोज रह रास विच पढ़दे हैं सत द्रव तीर तरंग। इस तरह ये सारे भै विच चलते ने किन्नियां ही मिसालां हैं। हुण समा नहीं पुरशार्थ है इत्थे बाबा सुरिंदर सिंह शिंदे दा क्योंकि बड़े उद्यमी हैं। असी तां इन्हां नूं कई बारी सोचिया कि किन्ने ही प्रचार केंद्र स्थापन हो चुके ने मुख केंद्र रतवाड़ा साहब ते किन्ने ही इन्हां इलाकियां दे विच भी स्थान प्रचार दे केंद्र बन चुके हैं। पर इन्हां दी इस धरती नाल मोह है। इत्थे कहिंदे तुलसी जी कहिंदे तुलसी तहां ना जाइए जहां अपना धाम गुण औगुण जानत नहीं लेत पुराणा नाम। असी भी छिंदे ही कही गए अज बाबा बलजीत सिंह पुछदे दे भरा नूं कहिंदा नाम की कहिंदा सुरिंदर सिंह छोटा ही नाम लैंदे ने क्योंकि वह शरदा नहीं बनती भावना नहीं बनती। पर इन्हां दी फिर भी हिम्मत है कि अपने इलाके दे विच विचरदे होए किन्ने स्थानां दी सेवा करवाउंदे हन। साल बाद सानू भी इत्थे बुलाउंदे ने ते इत्थे ऐतकी पंज सतसंग हो रहे ने अज तीसरे सतसंग दे भोग पै रहे हन। कल दा जिथे साडा नवास हुंदा हर साल ही बहुत प्यार वाला परिवार है बाबा महेंद्र सिंह जी मिंदा जी कहिंदे हन प्यार नाल बहुत प्यारा परिवार है। नहीं तो इन्ने देख लो बारह तेरह सिंह उत्थे रहायश रखते ने बहुत किरपा है। उत्थे भी गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा मध्यपुरी मनाया जाना उस तो बाद भूतपुरी उधर बाबा हरजीत सिंह जी जसपुरे वो भी सालाना समागम हर साल रखते हैं। तो इस तरह करते करते कल तो उत्थे मध्यपुरी परसों का भूतपुरी तो फिर वापस चाले पाने ने संगरान रतवाड़ा साहब मनाई जाती है। तो इस तरह पूर्णमासी सतलुज दरिया के विच स्थान बने हैं उत्थे हस्पताल चल रहे ने उत्थे पूर्णमासी की रात चंद्रमा दियां रिश्मां दे विच अद्भुत प्रसाद तैयार किया जड़ी बूटियां नूं पा के किया जाता है। उत्थे रहण सवाई पूर्णमासी हुंदी है वह भी स्थान दरिया के विच बहुत तेज चलता पानी। पर जदों उत्थे अरदास हुंदी है कड़ा प्रसाद की देग दे दित्ती जाती है कोई खास नुकसान नहीं हुंदा। पत्थर भी रुड़दे ने जदों फ्लड गेट खुलदे हन। एक इधर जमुना नगर जाओ उत्थों अगे दस क मील जाके एक इंद्री है उत्थे स्थान हन गुरु घर बने हन वो रोज़ भोग लवा के प्रसाद सीत प्रसाद ख्वाजा खिजर नूं दे आउंदे ने। अज तक प्रतख नूं प्रमाण है कि उस स्थान की देली दे अंदर कदे ये जमुना नहीं जा सकी। आले दुआले तो वगदी है विस्कार सो अनेक प्रमाण हैं कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सो तुसी उद्यम उपराला करदे हो तां जो ये भी अपनी मर्यादा च चले राम गंगा। सो इत्थे हर साल समागम हुंदा। धन्नवाद सारयां दा सतगुरां दा कटान कोट धन्नवाद। आओ जिहड़े नहीं बोले हुण आनंद साहिब च बोल के रसना पवित्र करो।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तन परवार परियां शब्द कावण आईया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया मेरे दुख सब विसारना तब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों हो बसारे साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे सदा सत सलाह तेरी नाम नंब साव ए कह नानक सच्चे क्या नहीं कर तेरे साचा शांत सुख मन आए वत्या दिन छा सप जाइया नानक सुनो संतोष करो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वादे पंच दूत तुद वस किते काल तक मारिया तुर कह नानक तै सुख आत कर हद वाजे पार परम प्रभ पाया उतरे कुलब सूरे संत साजन पे से पूरे गुरत जानी बिनवंत नानक गुर चरण लागे आज अनहद तुरे सलो दिस रात दे दाया खिले सगल गत करमी आप अपनी के नेड़े के दूर नानक ते मुख उजले के नाल बोलो तुदे आगे अरदास जियो पिंड सब कह नानक सब
ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗੜਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਤੀਤਰਾ ਬਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਸੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਸਿਰਠਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿਆਵੇ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦਿਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਗ ਦਾਨ ਸਾਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਜੋਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਾ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ
माल डंगर फसल वाड़ी ते अपना मेहर भरिया रखना दुखा कलेशा बिघना का नाश करना सुखा का प्रकाश करना ए सगता जी अपना पवित्र हुक्मनामा बख्श करके संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां नूं मिलिया जिहदा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला दोहरा गया पई अकाल के सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा खुआर होए सब मिलेंगे वाहे गुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेव दे वाहे गुरु पार उतारन हार जो शरदा कर सेव दे वाहे गुरु पार उतारन हार बोले सो निहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा भरन ना सकूं तू ठाकुर ऊंच भगवाना हर जियो नी माणिया तू माण नी चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत कौ कुरबान सोए सुनंदड़ी तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां दीन दर्द निवार ठाकुर राख जन की आप तरण तारण हर निध दुख ना सकें ब्याप दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप तरण तारण हर निध दुख ना सके ब्याप
साधु संग भजो गोपाल आन संजम किछ ना सूझै एह जतन काट कल काल राव आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमृत कथै शास्त भगत करें विचार मुक्त पाइए साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।